भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली आज 48 साल के हो गए हैं। और आज ही के दिन सौरव गांगुली ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के आखिरी दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से 2008 में जब वो अपने करियर का फाइनल टेस्ट खेल रहे थे और रिटायर होने वाले थे, तब उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान एमएस धोनी ने उन्हें कैसे सरप्राइज दिया था। दरअसल नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गांगुली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था और इस मैच के फाइनल सेशन में महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें टीम इंडिया का कप्तान बना दिया था। फिर गांगुली ने 3-4 ओवर तक टीम की कप्तानी की और भारत को उस मैच में 172 रन से जीत मिली थी। 2000 से लेकर 2005 तक 29 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले गांगुली ने कहा कि वो धोनी के इस कदम से सरप्राइज हो गए थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके इंटरनेशनल करियर के आखिरी दिन उन्हें इस तरह से सम्मान मिलेगा। ये नागपुर में मेरा आखिरी टेस्ट मैच था, वो मैच का आखिरी दिन और आखिरी सेशन था। मैंने विदर्भ स्टेडियम में कदम रखा और इसके बाद मेरे सभी साथी खिलाड़ी मुझे सम्मानित करने के लिए खड़े हो गए और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मुझे कप्तानी सौंपी गई और मैं हैरान था, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन धोनी तो धोनी है। हमने वो टेस्ट मैच जीता लेकिन मेरे दिमाग में रिटायरमेंट की बातें चल रही थी। मुझे नहीं पता कि आखिरी के 3-4 ओवर में मैंने क्या किया। हालांकि जब ये मैच खत्म होने जा रहा था तब धोनी ने उन्हें लीड करने के लिए भी कहा था, लेकिन मैंने पहले मना कर दिया, लेकिन दूसरी बार मैं मना नहीं कर पाया। दरअसल उस मैच वाले दिन के ठीक 8 साल पहले मैं टीम इंडिया का कप्तान बना था। कप्तान बनने के बाद मैंने गेंदबाजी में बदलाव किए और फील्ड भी सेट किया जब कंगारू टीम का एक विकेट गिरना बाकी था, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस स्टेज पर मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। 3-4 ओवर करने के बाद मैंने धोनी को कप्तानी दे दी और उनसे कहा कि ये तुम्हारा काम है, और फिर हम दोनों हंसने लगे। आपको बता दें कि 113 टेस्ट मैचों में 7212 रन बनाने वाले गांगुली ने 2008 में नागपुर टेस्ट के बाद रिटायरमेंट ले ली थी। उन्होंने अपने आखिरी टेस्ट मैच की पहली पारी में 85 रन बनाए थे और भारत ने पहली पारी में 441 रन का स्कोर खड़ा किया था। लेकिन आज भी गांगुली उस वाक्य को याद करते हैं कि धोनी ने उन्हें किस तरह से अनोखा सरप्राइज दिया था। तो आपको कैसी लगी सौरव गांगुली की याद, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।